गुड। तो ये रात का टाइम था और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैं जो है वो एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी। तो यहाँ मैंने शूज़ वगैरह पहन लिया और मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। और ये दूसरे दिन की बात है। फिर नीचे जो है वो मेरा पार्सल आया था जो मैंने मंगवाया था ग्लैम गर्ल्स वाई महविश की तरफ से, एक प्रिंट और उनकी न्यूड पैलेट्स मंगवाई थी। तो ये रहा पार्सल और पार्सल लेके मैं ऊपर जाऊंगी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किया था, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और ये पार्सल आया था जिसमें थे आई थिंक 5 टिंट्स थे या 4 टिंट्स थे और एक न्यूड पैलेट था। तो टिंट बहुत ऑसम थे, ठीक है। इन पर रिव्यू इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। और न्यूड पैलेट भी बहुत अच्छी थी। न्यूड पैलेट असल में मेरी बहन की थी तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा उसको स्वैच वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि उसकी थी वो, ठीक है। और बाकी जो ये टिंट्स वगैरह थे इसमें से 2 मेरे थे और 2 मेरी भाभी के थे। और मैंने बहुत अच्छा शेड मंगवाया, नंबर 6 और नंबर 3, 2 मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा शेड था। 2 जो है वो रोजी पिंक सा शेड था और जबकि जो 6 था वो कंटूरिंग शेड था, लाइक न्यूडिश ब्राउनिश शेड में आता था। तो लेकिन मुझे इसकी 0 पैलेट भी बहुत अच्छी लगी और मैं इंशाल्लाह अपने लिए भी इसको ऑर्डर करूँगी। इसका हाईलाइटर बड़ा मज़े का था और टिंट तो बिल्कुल सेम था जैसा हमारे टिंट वगैरह था उसके अंदर। और मुझे बहुत अच्छी लगी पैलेट, मतलब इतनी अफोर्डेबल है। आपको सेल में आई थिंक सेल लगी हुई थी तो 650 या अपनी 500 की, सॉरी 500 की मिली है मुझे पैलेट भी, सॉरी पैलेट तो मुझे मिली है 650 की। और जो मुझे वो मिले ना ये टेंट्स मिले हैं ये 500 के मिले हैं, मतलब 500 का एक है। तो ये इस तरह मुझे मिले हैं और बहुत अच्छे टेंट हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है और कलर बहुत प्यारे हैं। अप्लाई भी बहुत अच्छा होता है, मतलब ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है। बहुत से टिंट होते हैं वो एक जगह पे जाके चिमट जाते हैं, ये ऐसे वाले नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह चलते हैं। तो ये था नंबर 6 शेड जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक मैंने ये लिया है और एक मैंने लिया है नंबर 2 शेड। ये मैंने बहुत हल्का हल्का स्वैच किया इसलिए फिर भी इतना पता चल रहा है, लेकिन ये वैसे बहुत अच्छा है। नॉर्मल आज मैं ली थी चेस और वहाँ से कुछ आई थी कुछ ज़रूरत का सामान, तो एज सच कुछ इतना ज़्यादा सामान नहीं है, मतलब बस थोड़ा बहुत सामान है जो मुझे लाना था। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। मैं मोबाइल लेके इसलिए नहीं गई थी क्योंकि हम लोग जो है वो रिक्शा में गए थे और रिक्शा में इसलिए गए थे क्योंकि गाड़ी ठीक नहीं थी। और जो है वो मोबाइल ले जाना मुझे ज़रूरत नहीं लगी क्योंकि बस सामान लाना था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ पे वैसे भी अलाउ नहीं है अब तो, खैर बहुत वो होता है जो भी होता है। खैर अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया। तो अब मैं आपको सबसे पहले ये वाला शॉप पर दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या सामान लिया है, ठीक है। देन हम ये दूर देखेंगे। तो कोई इतना ग्रॉसरी वगैरह वाला सामान नहीं है, बस नॉर्मल जो सामान होता है वो वाला। कुछ सामान अम्मी ने मंगवाया था और कुछ जो है वो, तो एक ये थे हैंगर, ठीक है। अब ये हैंगर क्यों आए हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेस करने के लिए जो है वो हैंगर मतलब बचते नहीं है, पुराने वाले हैंगर्स में सारे कपड़े आ जाते हैं। और ये वाला जो हैंगर है ये इसलिए मंगवाएं ताकि और मज़ीद कपड़े जो एवं रखे होते हैं प्रेस करने के बाद उनको हैंगर करके अच्छी तरह हैंग करके रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला लिया था और ये अराउंड मिला था हमें 275 समथिंग का मिला था, ठीक है। तो ये था। और सेकेंड जो है वो ये था गार्नियर का कलर, ये जो है नेचुरल गोल्डन ब्राउन है। तो ये जो है ये अम्मी के लिए लिया था क्योंकि उन्होंने मंगवाया था, अम्मी नहीं गई थी, मैं पापा और मेरी बहन गए थे तो इसलिए उनके लिए लेकर आए थे, यानी कि अम्मी का भी कुछ सामान था। और एक ये वाला हैंगर था, ठीक है। तो ये भी ये हमें मिला था लाइक 475 का मिला था और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है उससे, मतलब इसकी प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत इस वाले के, तो इसलिए इसकी प्राइस में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर ये 2 चीज़ें थी इसमें और एक ये था और एक ये था छोटा वाला शॉपर है। तो इसमें ये है क्रिस्टीन की जो है वो एडहेसिव है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्रिस्टीन की जो है वाटर प्रूफ क्लियर आई लैश एडहेसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में मैंने सुना था। तो ये मेरी बहन ने ली थी और साथ में उसने एक लैश ली थी जो उसको जो है वो चाहिए थी। तो ये पता नहीं कौन सी वाली है, आई मीन नंबर 10 है, नहीं 10 नहीं है, 1 है, नंबर 1 है इसका।
और ये है इस तरह की, लाइक ये अच्छी लग रही है, तो आई थिंक लगने के बाद भी अच्छी ही लगेंगी। शॉपर पूरा जो है वो खाली हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड वाले शॉपर की तरफ कि उसके अंदर क्या है। तो अभी मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ और नीचे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अंदर जो है ये सारा सामान आप देख सकते हैं। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फेस वॉश, आप लोगों को अगर याद हो तो नंबर मेरा जो व्लॉग 1 या 2 व्लॉग था, यानी कि स्टार्टिंग के जो व्लॉग्स थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये वाला जो है फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्लिंजिंग फोम सॉफ्ट सोप डीप क्लिंस वाइटन एंड क्लियर, आर्ची का है ये, बहुत अच्छा है, लाइक 400 समथिंग का आता है। और ये बहुत, मैं मतलब ये इसको यूज़ कर चुकी हूँ और 5 या 6 मेरे इस तरह के ट्यूब्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो ये अब दोबारा है क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो ख़त्म हो रहा था। ठीक है, और अब हम चल, एक ये वाला है फेस वॉश, ये है फेयर एंड लवली फेस वॉश, ये मेरी अम्मी जो है वो यूज़ करती हैं, तो ये उनके लिए है। और हम लोग क्या लाए थे भाई, और हम लाए थे ये हैं ब्रिटानिया डाइजेस्टिव शुगर फ्री। आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे कि मेरे पास ये वाले बिस्किट्स होते हैं ब्रिटानिया के, और जो है पीक फ्रिंग्स के भी जो है वो मैं लेकर आती हूँ अपने लिए, होल व्हीट के स्लाइस वगैरह। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास एक होल व्हीट का स्लाइस, 20 स्नैक पैक्स। तो ये पूरे मैं नहीं लेती, मतलब मेरे साथ अम्मी होती हैं और मेरी सिस्टर, हम दो तीनों जो होते हैं वो हम तीनों के लिए ही होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो ये रैंडम चीज़ें इन्होंने डाली हैं इसके अंदर। तो एक ये है किनोर का नूडल्स, और क्या बचा है इसमें, और बचा है इसके अंदर ये वाला किनोर का, एक ये वाला नूडल्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 नूडल्स हैं, और आई थिंक अब ये जो है ये पूरा ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं, ये थर्ड शॉपर है और इसके अंदर भी सारे बिस्किट्स वगैरह हैं, क्योंकि बस यही चीज़ें लेने ही जाना था, बाकी तो खैर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले ही आ चुकी हैं, तो सब रखा हुआ ही होता है। हाँ, बिस्किट्स वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये रह गई थी, तो ये अब लेकर आनी है, आई हूँ मैं। और बाकी जो यूज़ की चीज़ें होती हैं, जो मेन बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, खैर साबुन वगैरह सर्फ वगैरह, वो तो पहले ही ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ ही होता है। तो एक और ये वाला होल व्हीट का स्लाइस है, और एक और है ब्रिटानिया का, और एक है ये होल व्हीट का है स्लाइस, एक ये वाला है। ठीक है, और एक और ये वाला है, मतलब ये आराम से हमारे 2 महीने तो चल ही जाएंगे, 2 महीने से कम चल जाएंगे, लाइक ये कि सुबह के टाइम या शाम में टी टाइम जो है ये आराम से गुजर जाता है, कभी कभी ऐसा उसमें क्रेविंग होती है तो आपको ये खाना होता है। तो खैर, और ये चॉकलेट है ये मेरी बहन के लिए, जो वो अपने लिए लेकर आई है, और एक ये वो ज़ीरा प्लस चाय वगैरह से लेने के लिए, वो ये भी वो अपने लिए लेकर आई है। ठीक है, और ये है हमारे पास टक, तो ये टक तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, और एक ही टक, तो बस यही था मेरा सामान जो मैं लेकर आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारा जो है ये सामान है जो आया है आज, और बस इन्हीं को लेने के लिए मैं गई थी। तो 12 बजे मैं गई थी, और 12 बजे के बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है वो मैं घर आ गई थी, और अब जो है वो टाइम हो रहा है अराउंड 2 PM का टाइम हो रहा है, और अब इंशाल्लाह मैं जाऊंगी वजू करने, नमाज पढ़ने, और फिर हम खाना वाना खाएंगे। तो फिर मैं अपना ब्लॉग जो है देखती हूँ, कंटिन्यू करती नहीं करती, तो फिर बस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी।